के एक और ब्रांड न्यू डे में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अनुराग। दोस्तों बहुत टाइम हो गया था यार आप लोग के लिए सेकंड हैंड कार में लेके आ नहीं पा रहा था, क्योंकि मैं एक्चुअली बांदरगढ़ और उज्जैन गया हुआ था, इसलिए आप लोग के लिए मैं व्लॉग नहीं ला पाया। लेकिन उसका व्लॉग मैंने अपने व्लॉग चैनल में डाल दिया, अगर आपने नहीं देखा है तो आपको यहाँ मिल जाएगा देखना यार, बहुत अच्छा बना है। तो आप लोग को अगर पसंद आता सब्सक्राइब कर देना। बाकी यार आज अपन आए हुए हैं किसी कार बाजार में, क्योंकि सेकंड हैंड कार की वीडियो लेना आप लोग के लिए बहुत जरूरी है। और आज आप लोग को 6 छोटी बजट की गाड़ियां दिखाने वाला हूँ जो 60,000 से शुरू होती हैं और 2.5-3 लाख तक जाती हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, गाड़ियां कुछ कुछ फाइनेंस भी हो जाएंगी। और जो 60,000 वाली गाड़ी यार बहुत स्पेशल है, उसे बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि ऐसी गाड़ी अभी मार्केट में आपको नहीं मिलने वाली। काफी एंटिक भी है, एवरेज भी अच्छी देती है और एक बहुत बड़े ब्रांड से आती भी है, तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और अपन वीडियो बना रहे हैं किसी कार बाजार की, किसी कार बाजार का एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप कॉल करके अपनी डील को ग्रैब कर सकते हैं। कोई भी गाड़ी की अगर आपको फोटो वगैरह चाहिए डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, वहां पे जाके ज्वाइन हो जाइए तो आपको सारी गाड़ियों की फोटो मिल जाएगी। मुझसे कोई बात करना हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा इंस्टाग्राम भी मिल जाएगा, वहां जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं और कोई भी आपकी गाड़ी की डिमांड हो तो बिल्कुल कर सकते हैं। बाकी यार ज्यादा करने कमाएंगे, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तुरंतन भी आपका बहुत बहुत स्वागत है आरपी कार प्लस की एक और वीडियो में। बहुत टाइम बाद अपन आना हुआ है वीडियो बनाने में। अनुराग गाड़ी ही नहीं आ रही थी, गाड़ी जो आई वो उसी टाइम बिक गई, तो इसलिए वीडियो नहीं बन पाया। और अभी बहुत रेंज आ गई अपने पास। अच्छा, जो बहुत डिमांडेड गाड़ी थी पहली तो 800 वो आ गई। अच्छा, और ये समझ लो i10 तो 4-5 आ गई। कम बजट का सेगमेंट आज दिखाने वाले ना। कम बजट और मतलब कम बजट तो नहीं है। हाँ। ये 2.5-2.5 लाख ऐसे के आसपास गाड़ियां हैं। हाँ। तो फिर ये 800 सस्ती है। 800 सस्ती है ना। हाँ। सबके बजट में जाएगी ना ये गाड़ी। हाँ, ये तो कम बजट की। तो शुरुआत इसी से करते हैं भैया। तो ये वाली कब का मॉडल भैया? 1997 एसी भी है इसमें। फर्स्ट ओनर गाड़ी है जी, और थर्ड पार्टी इंश्योर्ड है। 2022 तक का रिन्यूअल है, ओरिजिनल महीने में गाड़ी है। अच्छा, 57 या 58,000 चली है। 57 या 58,000 चली है। एसी में गैस नहीं है इसमें। अच्छा, गैस नहीं है ना। तो भैया इसका रिन्यूअल वगैरह कोई दिक्कत नहीं होगी? अभी है 22 तक का, 2022 तक का ना। हाँ। मतलब एक साल का भी रिन्यूअल। हाँ। है तो उसके बाद ये तो होगी कि नहीं होगी? रिन्यू हो रही है, अभी तो हो रही है अपने आप। हो रही ना अपने आप है। हाँ। तो 1997 का ये। हाँ। 1997 एसी है, टायर तो भैया ठीक है इसके। फर्स्ट ओनर गाड़ी है, इतनी पुरानी गाड़ी भी फर्स्ट ओनर है भैया। तो इसे एक बार ओपन करके दिखाते हैं आप लोगों को, अंदर से भी इसमें स्पेस अच्छा मिल जाता है और टायर कंडीशन आप देख लीजिए। और कम रेट में होने वाली है, जिनको अपनी पहली गाड़ी लेना है, सीखने के लिए लेना है, उनके लिए अच्छी हो सकती है गाड़ी। एक बार आप लोग को दिखाते हैं इस साइड से, तो देख लें भैया। हाँ, ओपन है। तो यार सीट आप देख सकते हैं किस कंडीशन में, साफ सुथरी है भैया, बिल्कुल साफ सुथरी है। और इसमें सीट भी अच्छी, मतलब कंफर्टेबल गाड़ी है थोड़ी। बहुत बढ़िया साउंड है गाड़ी। हाँ, इतना पुरानी गाड़ी में ऐसा साउंड आता नहीं है। और नीचे से भी क्लीन वगैरह रखी है गाड़ी। ये रगेट पूरा चली, कितनी दिखाएंगे? 58,000 चली। फर्स्ट ओनर गाड़ी, ओरिजिनल मीटर में गाड़ी। फर्स्ट ओनर गाड़ी, ओरिजिनल मीटर में गाड़ी ना। ये एसी के पूरा दिया हुआ ना भैया? एसी। एसी भी मिल जाएगा आप लोगों को? अभी एसी में गैस नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, दो तो ये गैस दिलवा लेंगे तो सही हो जाएगी ना भैया। अच्छा अच्छा, और पूरा ये अच्छा दिया है उनका अलग से, पूरा नहीं दबाना पड़ता उनको। अच्छा, बड़ी एंटीक गाड़ी भैया। बाकी ये क्या म्यूजिक प्लेयर का भी है यहाँ पे इसमें? नहीं कुछ नहीं, नहीं दिया ना यहाँ पे। डेट और टाइम दिखाता है भैया, जितनी पुरानी गाड़ी में भी आप लोग को मिल जाएगा। तो ये तो रही भैया, बाकी पीछे से भी अच्छी खासी है सीट लोग, एक बार आप देख सकते हैं। ज्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है, गाड़ी अच्छी, गाड़ी में कोई ऐसा मेजर काम नहीं है। ये मैं बता रहा था ठोस। हाँ, एक आठ ड्राइव शाफ्ट की आवाज करी तो ड्राइव शाफ्ट तो 500,000 रुपए में चेंज हो जाती है। अच्छा अच्छा, तो बाकी कोई मेजर काम नहीं? मेजर काम तो कुछ नहीं ना। हाँ। 5 गियर 4 मतलब 4 गियर वाली गाड़ी जो उसमें आती थी। इसको लोग रफ यूज के लिए जो लेना चाहते हैं, या कई लोग अपने घर में रखे, क्योंकि अभी मिलती बहुत कम। हाँ, एंटिक बना सकते हैं इसको काफी ज्यादा। एंटिक ना भी बनाए तो जैसे अब जैसे अपन एक्टिवा लेने जाओ तो 40-50,000 रुपए की रेंज की एक्टिवा है, सेकंड हैंड में भैया। तो 1 लाख की एक्टिवा है, तो उस हिसाब से मारुति का प्रोडक्ट है ये। एवरेज भी अच्छा है और ये फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी है, कहीं पर भी आप ले जा सकते हैं। अच्छा अच्छा, फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी ना। तो क्या प्राइस है भैया इसका? इसका 60,000 रुपए पार्टी मांग रही है। 60,000 रुपए इसका पार्टी मांग रही है ना। हाँ। थोड़ा बहुत इसमें कम हो जाएगा? थोड़ा बहुत होएगा, फर्स्ट ओनर है, थर्ड। हाँ। पार्टी इंश्योर्ड है। अच्छा। रिन्यूअल है, सब चीज है, मतलब आपको लेके बस चलाना है। पेपर में कुछ पैसा नहीं खर्च करना, आप अपने नाम पे ट्रांसफर कराओ बस।
बस ट्रांसफर करवाना है ना। 60,000 पार्टी मांग रही है, अच्छी डील है यार, एसी वाली गाड़ी है, गर्मी में अपने तो गर्मी वैसी काफी रहती है, गर्मी में चलाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ओरिजिनल पेंट में जी, टचिंग नहीं है, विंटर भी ओरिजिनल है भैया, और जो क्वालिटी रखी है अभी तक मेंटेन, तो गाड़ी के साउंड से समझ में जाता है। चालू जब गाड़ी, चलिए ठीक है, ये अपनी पहली गाड़ी होने वाली है, 60,000 से आज गाड़ियां शुरू है भाई लोग, तो आगे भी देखते हैं अब कौन सी मिलने वाली है अपन लोग को गाड़ी। दूसरी गाड़ी भैया अपनी i10, आज तो 4 i10 होने वाली है, i10 का आज बाजार लगा है, आज तो i10 बाजार है ये। तो ये कब का मॉडल है भैया? 2008 मॉडल, 2008 मॉडल है ये, फर्स्ट ओनर गाड़ी है जी, 27,000 किलोमीटर चली है, स्पोर्ट्स वेरिएंट, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, 27,000 चली है और स्पोर्ट्स वेरिएंट है ये, मतलब इसमें पावर और विंडो सब मिलेगा, तो पावर विंडो भी मिल जाएंगे, कंपनी का सिस्टम मिलेगा, देख लेते हैं एक बार आपको टायर दिखा दूं मैं पहले, टायर कंडीशन बहुत अच्छी है, टायर में आप लोग कोई भी काम नहीं कराना, और गद्दे वाली सीट लगी है अंदर, एक बार दिखाता हूँ आप लोगों को, ये फुल कुशन वाला काम हुआ है भैया, कंफर्टेबल भी काफी है, और भैया की हाइट आप लोग एक बार देख लीजिए काफी ज्यादा है, उसके बाद भी ये गाड़ी काफी ऊंची है, मतलब अगर आपकी हाइट ज्यादा है तो ये आपके लिए भी सही हो जाएगी, और इसमें आप लोग को चारों पावर विंडो मिल जाएंगे जो 2008 में सिर्फ ह्यूंडई देता था। ये कंपनी फिटेड सिस्टम है जी जी जी, कंपनी फिटेड सिस्टम मिल जाएगा उसमें, 27,208 किलोमीटर चली है, 27,208 किलोमीटर गाड़ी चली हुई है, तो ये भी ठीक है भैया, बाकी इंश्योरेंस कंप्लीट है। हाँ अच्छा, इंश्योरेंस सभी के रहते हैं, मेरे पास गाड़ी ऐसी बहुत कमी आती है जिसमें इंश्योरेंस ना हो। अच्छा अच्छा, ये तो बढ़िया है, बाकी तो फाइनेंस वगैरह तो होगी नहीं? नहीं नहीं, ये कैश लेना पड़ेगा, कैश लेना पड़ेगा। कब से मॉडल फाइनेंस हो जाएंगे भैया अपने? 11 के बाद के ही मॉडल फाइनेंस हो पाएंगे ना। चलिए ये ठीक है, तो ये फाइनेंस नहीं हो पाएगी, वो वाली फाइनेंस नहीं हो पाएगी, वो तो वैसे कैश में ही लो, बहुत कम बजट में है। इसका प्राइस क्या होगा भैया? ये 1,90,000 रूपए, 1,00,000 थर्ड पार्टी इंश्योर्ड, 27,000 चली, स्पोर्ट्स वेरिएंट ना, चारों पावर विंडो है, म्यूजिक का सिस्टम है, 27,000 रूपए चली है, टायर कंडीशन अच्छी है, ओरिजिनल पेंट में है, और कैसी है भैया गाड़ी में, सब कुछ ही मिल जाएगा आप लोग को, तो 1,90,000 इसकी डील होने वाली है। एक बार आपको पीछे से दिखा दूं थोड़ी सी स्पेस कि कैसी मिलती है इसमें, तो पीछे से भी यार अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है, पीछे से गाड़ी कंडीशन कुछ ऐसी है, 1.2 लीटर का इसमें आपको पेट्रोल इंजन मिलता है, और की गाड़ी अच्छी है, अगर आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको भैया का नंबर मिल जाएगा, वहां जाके कॉल कर सकते हैं। आइटम बहुत सारी है, जल्दी जल्दी दिखाते हैं अपन, छोटी गाड़ी आज बहुत सारी मिलने वाली है। अब ये तीसरी नंबर में गाड़ी है भैया, ये कौन सी मिलने वाली? i10 ग्रैंड, ये ग्रैंड है जी जी जी, तो ये पेट्रोल, ये भी पेट्रोल, अच्छा अच्छा, मैग्ना वेरिएंट है ना, और 42,000 चली, अच्छा, नए टायर, फर्स्ट ओनर, फर्स्ट पार्टी इंश्योर्ड, कटनी का रजिस्ट्रेशन, कटनी का रजिस्ट्रेशन इसमें आपको मिल जाएगा, MP21 नंबर का, अपने पास ही में है, जबलपुर में कोई दिक्कत नहीं है, और ये कलर भी थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में, हल्के फुल्के माइनर स्क्रैचेस में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, और 1.2 लीटर का इसमें सेम आपको पेट्रोल इंजन मिल जाता है। बाकी एक बार आपको अनलॉक कीजिए ना भैया, एक सेकंड अनलॉक करवाते हैं, जी तो अंदर से कुछ ऐसे मिल जाएगी देखने में, ये थोड़ी सी बड़ी है भैया, इससे देखा जाए तो मेरे को ऐसा लगता है ये नया शेप है, ये थोड़ा सा नया शेप हो जाता है, तो इसमें भी आपको एसी, चारों पावर विंडो, फ्रंट में ही सारे कंट्रोल्स मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसमें ये भी है, ये अपना मिरर कंट्रोल, ऑटोमेटिक मिरर वाला सिस्टम है। अच्छा अच्छा, चलिए दिखाएं भैया कितनी है ये, 42,000 चलिए ना, 42,000 रुपए चली हुई है, और इसमें आपको सोनी का म्यूजिक सिस्टम मिल जाएगा, एसी कंट्रोल्स है मिल जाएंगे, बाकी यार सब कुछ ही मिल जाएगा जो एक बेसिक गाड़ी में मिलता है। फर्स्ट ओनर, फर्स्ट पार्टी इंश्योर्ड, 2015 का मॉडल है ना भैया। हाँ। बाकी ये पेट्रोल वगैरह में क्या माइलेज निकालती होगी भैया? ये 14-16 देगी, 14-16 के आसपास का ना, सिटी के हिसाब से सही है, 18 के आसपास आएगा। अच्छा, लॉन्ग में 18 के आसपास का देगी, तो इसका क्या प्राइस होगा भैया? ये फाइनेंस भी हो जाएगी। अच्छा, फर्स्ट पार्टी इंश्योर्ड है, फर्स्ट ओनर है जी, ये इसका रेट है 4,10,000, इसका रेट है 4,10,000 रूपए में, फाइनेंस भी जाएगी, 2015 मॉडल है, फर्स्ट ओनर गाड़ी ना, i10 ग्रैंड मैग्ना में भी सब मिल जाता भैया, चारों पावर विंडो सब चीज, ह्यूंडई 2008 में चारों पावर विंडो दे रहा है ये, तो फिर भी 15 का मॉडल सभी कुछ देगा। चलिए ठीक है, ये वाली तो हो गई अपनी ग्रैंड i10, जिसको ग्रैंड लेना था थोड़े से मतलब न्यू मॉडल में, और जिनको फाइनेंस कराना था तो उनके लिए हो जाएगी, क्योंकि टायर कंडीशन आप देख लीजिए, गाड़ी की कंडीशन आप देख लीजिए, सब कुछ A1 मिलने वाली है, ऑटोमेटिक ORVM मिल जाएंगे इसमें, MP21 कटनी का नंबर है, तो ये डील भी काफी अच्छी आपको मिल जाएगी। तीसरी गाड़ी देखते हैं भैया, ये भी कटनी का नंबर, ये 2011 स्पोर्ट, ये फाइनेंस होगी भैया? ये कुछ कंपनियां कर देंगी, कुछ कंपनी कर देंगी ना, 2011 का, ये भी स्पोर्ट्स है। अच्छा, टायर तो गजब है भैया, अच्छा, फर्स्ट ओनर है, थर्ड पार्टी इंश्योर्ड है जी जी जी, 28,000 किलोमीटर चली है, नया टायर, 28,000 किलोमीटर चली है और नए टायर है। तो एक बार आप लोग को दिखाते हैं, इसमें तो 10 इंडिकेटर्स भी दिए हुए भैया स्पोर्ट्स में, i10 में, जो आपको ग्रैंड में भी नहीं मिल रहा है, तो इसमें आपको 10 इंडिकेटर्स भी मिल जाएंगे,
अच्छा अच्छा स्पोर्ट्स है ना भैया ये 1.2 लीटर का सेम पेट्रोल इंजन इसमें आपको मिल जाएगा और एवरेज आपको चारों सेम ही देंगी गाड़ी जितना एक गाड़ियां दे रही हैं इसमें आपको चारों पावर विंडो कंट्रोल्स म्यूजिक सिस्टम सब कुछ ही मिल जाएगा बस अपन मीटर दिखाते हैं कितनी है 28,065 किलोमीटर सेंट्रल लॉकिंग भी है इसमें सब है ना 28,000 सिर्फ गाड़ी चली हुई है ये आपका ऑक्स वगैरह सब लग जाएगा ऑक्स एसी म्यूजिक सिस्टम बाकी चारों गाड़ी तो सेम ही है अपन ज्यादा क्या बताएं इसमें भी लेकिन आपको मिरर के कंट्रोल यहीं पे मिल जाएंगे तो ये चीज अच्छी है मतलब 11 मॉडल गाड़ी है और कुछ कंपनियां भैया बता रहे हैं कि फाइनेंस भी कर देंगे इसको ना कुछ कंपनी इसको फाइनेंस करेंगे चलो फाइनेंस वाली तो बात तो ठीक है लेकिन कैश वाला रेट बताइए भैया इसका क्या होगा इसका 2,60,000 रुपए 2,60,000 रुपए 2011 मॉडल की गाड़ी फर्स्ट ओनर इंश्योरेंस थर्ड पार्टी अगर फाइनेंस कराएंगे तो इंश्योरेंस फर्स्ट पार्टी कराना पड़ेगा अच्छा और जो अपन प्राइस बता रहे हैं सब थोड़ा बहुत तो कम होगा सब में होगा ना चलिए ठीक है भाई अब मेरा नाम बताना तो शायद ज्यादा हो जाए थोड़ा बहुत लेकिन कम तो होगा आप लोग के लिए बाकी इसको एक बार चालू करते हैं अभी साउंड इसका भी I10 बहुत साइलेंट गाड़ी है भैया मतलब अगर दरवाजे बंद कर लें ये पेट्रोल का फील देती है ये और एवरेज भी 14-16 तो अगर आदमी अच्छे से रखे तो 1,00,000 किलोमीटर तक कुछ नहीं होना अभी तो 28 ही चली है अभी तो मतलब लंबे खींचना है इसको हाईवे में ले जाओगे तो मजा आएगी चलिए ठीक है एक आइटम और बची है फिर आप लोग को दिखाते हैं उसकी वीडियो जो आपको सिंगल मिलने वाली है लेकिन आज आपके लिए ये 5 में छोटी गाड़ियां आपको दिखाने वाला था क्योंकि बहुत टाइम से वीडियो आ नहीं रही थी और आप लोग बोल रहे थे कि अनुराग भाई छोटी गाड़ी लाइए इसलिए आज ये वीडियो बन रहा है तो इसका बताइए भैया 2014 मॉडल ये अलग कलर भैया और लोगो नंबर है जी सब अलग है सब अलग सेफ्टी लाइट है जी जी है ना ये वाली 11 और 14 थोड़ी मिलती है जी जी 15 की अलग लाइट है 8 की अलग लाइट है अलग अलग मॉडल ईयर के जी 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 सबकी लाइट अलग है ये 14 है ये ऐसा है कि ये सब लेना चाहते हैं अभी जो सेकंड हैंड की तरफ जाते हैं ना तो ये ऐसा मॉडल 14 हो गया 15 हो गया लोग मिल जाता है लोगों को तो इसको एक बार आपको दिखाऊं और ये लोकल नंबर पे गाड़ी है वेटनरी ऑफिसर की गाड़ी है ये भी स्पोर्ट्स मॉडल सारी स्पोर्ट्स है मतलब हाँ मतलब वहाँ से घुमाना नहीं पड़ेगा पावर विंडो के लिए पीछे के चलिए ठीक है कंडीशन आप देख लीजिए यार चारों गाड़ी अपनी ओरिजिनल पेंट में है कोई भी टचिंग वगैरह मतलब जो माइनर हो सकती है वो मैं नहीं कहता लेकिन गाड़ी ओरिजिनल पेंट में है ये बोल सकता हूँ मैं बाकी इधर से दिखाऊं तो आप लोगों को इसमें भी भाई सेम चीजें मिलेंगी भैया जो उसमें मिल रही थी स्पोर्ट्स में सब मिलेगा सब कुछ ही मिलेगा जब 8 में मिल रहा है तो 14 में तो क्या ही नहीं है सभी में मिल जाएगा 35,000 किलोमीटर चली है सिर्फ 35,000 चली है तो 35,000 किलोमीटर चली सेंट्रल लॉकिंग भी है इसमें सब चीजें सब मिल जाएगा ना फर्स्ट ओनर है जी इंश्योरेंस इसमें भी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस थर्ड पार्टी है ना जो भी फाइनेंस कराएगा अच्छा तो ये भी फाइनेंस हो जाएगी अच्छा तो उसको इंश्योरेंस फर्स्ट पार्टी कराना पड़ेगा तो जो भी बात है मतलब इंश्योरेंस तो करवाना ही पड़ेगा तब जाके फर्स्ट पार्टी होगी हाँ अगर आपको कैश लेना है तो फिर कोई जरूरी नहीं है अच्छा अच्छा लेकिन अगर जो फाइनेंस वाले हैं उनको जो भी थर्ड पार्टी गाड़ियां हैं थर्ड पार्टी इंश्योर्ड है तो उसमें आपको फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस कराना पड़ेगा अच्छा अच्छा मतलब कैश में तो कोई दिक्कत नहीं है तो थर्ड पार्टी भी चला सकते हो आप ठीक है तो ठीक है एक बार आपको मैं पीछे से टायर दिखा देता हूँ फिर इसका प्राइस बताता हूँ 1.2 लीटर का इंजन इसमें भी आप लोग को मिल जाएगा और पीछे से स्पेस यार I10 बहुत ऊंची गाड़ी है बेसिकली ये वैगनार के सेगमेंट की गाड़ी है तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं होती है क्या प्राइस है भैया इसका इसका रेट है 3,10,000 ये डील सबसे अच्छी लगी भी है मुझे सही बताऊं तो मैं अभी जितनी भी अपन ने बताया और एक वो अपनी क्या नाम है फिर वाली जो आपने I10 दिखाए थे 3,10,000 में 14 मॉडल अच्छी डील है बहुत अच्छी डील है फर्स्ट ओनर इंश्योरेंस थर्ड पार्टी फर्स्ट ओनर है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है आओगे तो हो सकता है थोड़ा बहुत और कम हो जाए एड्रेस क्या होने वाला भी अपना केसी कार बाजार छोटी लाइन फाटक सुविधा हॉस्पिटल के बाजू में केसी कार बाजार सुविधा हॉस्पिटल के बाजू में और बहुत दिन से हो गया अभी ऑफर नहीं आ रहे अभी कोई ऑफर नहीं क्योंकि गाड़ी ही नहीं है अच्छा अच्छा आज ये स्थिति है कंपनी वाले हमसे फोन करते हैं जो सेकंड हैंड गाड़ियां का मार्केट खोल के रखे हैं अच्छा अच्छा वो फोन करते हैं कि आपके पास कोई सेकंड हैंड आया तो बताना उनको गाड़ी देने को नहीं है क्या है नई गाड़ी नहीं मिल रही किसी को जी जी जब नई नहीं मिलेगी तो बेचेंगे और अभी हमारे फ्रेंड लोग ने कईयों ने गाड़ी बुक करी नहीं तो 2-3 महीने की वेटिंग है अच्छा 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 तो सेकंड हैंड गाड़ी मिल रही है यही बहुत बड़ी बात है इसलिए ऑफर नहीं मिल रहा जी 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 कुछ टाइम बाद लेकिन ऑफर लेके आएंगे आप वो आएगा ही ऑफर जब गाड़ियां आएंगी तब अच्छा अच्छा चलिए ठीक है भैया अब अपन उसका बनाते हैं सिंगल वीडियो नहीं एक अभी ऑल्टो और बना लिया एक और बना लें चलो कोई दिक्कत नहीं है ऑल्टो की डिमांड भी काफी है भैया ये तो लोग आंख बंद करके लेते हैं इसमें कुछ पूछते नहीं है क्या है मिलने वाला है इसमें 2015 मॉडल 2015 मॉडल की ऑल्टो है और कौन सा मॉडल भी है LXi सेकेंड ओनर है अच्छा इंश्योरेंस फर्स्ट पार्टी है अच्छा टायर नए हैं जी और इसमें सिस्टम इतना महंगा कुछ लगा आपको दिखाते हैं ऐसे सर्विस खूब लगी अच्छा अच्छा एक बार मैं सामने से दिखा दूं पहले गाड़ी को यह है अपनी 2015 मॉडल की ऑल्टो LXi भैया बोल रहे हैं कि एक्सीरीज बहुत सारी लगी है लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ टायर टायर की कंडीशन भी आप देख लीजिए बहुत अच्छी आप लोग टायर चेंज नहीं करवाना है और सीट कवर बहुत प्रीमियम दिख रहे हैं यार
ठीक है। तो सीट कवर आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही प्रीमियम कंडीशन में लगे हुए हैं। और मेन चीज ये टेस्ला लगाए घूम रहा है। अच्छा टेस्ला लगाए घूम रहा है इसमें, तो टेस्ला की गाड़ी आती है ना बड़ा वाला, इसमें मिलता है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, रिवर्स कैमरा मिल जाएगा, म्यूजिक प्लेयर मिल जाएगा, सब कुछ इसमें आपको मिल जाएगा। गाड़ी बहुत गर्म है यार, इसलिए इसके लिए एसी भी आप लोग को मिल जाएगा, ठंडा कर सकते हैं। एक चीज और है जी, ये सब तो लगा, रिवर्स सेंसर भी लगा है, सब चीज लगा है। अच्छा अच्छा। इसके बाद इसमें एक ऐसा वो कोटिंग कराई गई है कि बाहर की आवाज अंदर सुनाई ना दे। अच्छा साउंड प्रूफ करवा दिए इसको, डैम्पिंग जो वगैरह करवाए ना, तो डैम्प प्रूफ करवा दिए इसको, साउंड आपको अंदर बिल्कुल समझ नहीं आएगा अगर आपको अकेले गाने सुनना है। अच्छा दिखा देते हैं वो भी, गाड़ी सिर्फ चली है 18,000 किलोमीटर। कब का मॉडल बताया भी आपने? 2015 मॉडल की गाड़ी है। सब सारी गाड़ी अपने पास लेस्ट है आज। सेकंड ओनर है, इंश्योरेंस फर्स्ट पार्टी, सेकंड ओनर है, इंश्योरेंस फर्स्ट पार्टी वाला फाइनेंस हो जाएगी। ये वाली भी ये फाइनेंस हो जाएगी, मारुति की तो हो ही जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका और भी कुछ अभी इसमें एक्सेसरीज वगैरह, ये इनने कौन महंगे वाले कुछ स्पीकर लगाए, ये लगाया है, सेंसर है, वो सब करा हुआ, जो साउंड आउंड ना, ये लेदर की सीट कवर लगाए हुए हैं, लेदर और लेदर के ही लगे हैं, टायर नए हैं, टायर भी नए हैं, बहुत सारी चीजें प्लस में है। अच्छा तो इसका प्राइस क्या है भैया? इसका 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपए 2015 मॉडल के i10, वो क्या बोलते हैं, ऑल्टो के। जितनी सारी सीरीज लगी है यार, ये लगाने के बाद तो वैसे भी 2.5 लाख की ऊपर बहुत सारी है, लेकिन अपने यहाँ इसका 2.5 लाख आपको प्राइस मिल जाएगा। बाकी भैया का नंबर आपको मिल जाएगा, थोड़ा बहुत देख लेंगे, जो भी होगा वो करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी एड्रेस भैया ने आपको बताए दिए थे, इन सबके आपको फोटो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, वहां जॉइन सकते हैं। बाकी भैया तो आपको फोटो भेज ही देते हैं। इसमें भी सेंटर इंटरलॉक सब लगा हुआ है, सेंटर लॉकिंग भी लगा है। जी जी चलिए ठीक है। तो ये आखिरी गाड़ी थी ना भी आज के, अपनी आखिरी, फिर एक सिंगल बनाते हैं, सिंगल तो वो बना लेते हैं अपना। तो ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा लगा आप लोग के लिए वीडियो बना के, मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियो लेके आता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।